28 मिलियन लोगों की मौत हो सकती है इंपीरियल यूनिवर्सिटी लंदन के मुताबिक। और तो और वर्ल्ड वॉर टू के बाद ये सबसे बड़ा डिजास्टर माना जा रहा है। जानने के लिए देखते रहिए रेड बॉक्स टीवी और बेल आइकन दबाना ना भूलिए। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी इनसाइट्स और मैं हूं आपकी मेज़बान जवेरिया रज़ा। नाज़रीन, अपने शो में हम बात करते हैं यूजुअली प्रॉपर्टी प्रोजेक्ट्स को लेकर, लेकिन आज स्पेशली हम बात करेंगे कोरोना वायरस के हवाले से। कोरोना वायरस में भी काफ़ी सारे पहलू हैं। लोग इंटरनेट पर मुसलसल सर्च कर रहे हैं इसके क्योर के हवाले से, इसकी हिस्ट्री के हवाले से, इससे मुतालिक कितनी डिजीज़ इससे पहले आ चुकी हैं उनके बारे में। आज हम इन सारी बातों को छोड़ के ये बात करेंगे कि हमारी जो पूरी दुनिया है वो दो हिस्सों में डिवाइडेड है। एक वो कंट्रीज़ जो काफ़ी वेल्दी हैं और दूसरे पुअर कंट्रीज़। तो ये जो वेल्दी कंट्रीज़ हैं ये हमारे या फिर बहुत सारे पुअर कंट्रीज़ की किस तरह से इन हेल्थ इशूज़ में हेल्प कर सकती हैं ताकि ग्लोबली हम इस इशू को रिकग्नाइज़ करके इसको ख़त्म कर सकें। अब जैसे कि हमने आपको शो के इंट्रो में ही बताया कि वर्ल्ड वॉर टू के बाद ये एक बहुत अहम और बहुत ही संगीन मसला बताया जा रहा है। अब हम आपको एक हवाला दें प्रेसिडेंट एलन जॉनसन सर्लीफ के हवाले से, जो कि लाइबेरिया के प्रेसिडेंट रह चुके हैं और उन्होंने इबोला वायरस को शिकस्त दी थी। उनका ये कहना है कि कोरोना एनीवेयर इज़ अ थ्रेट टू पीपल एवरीवेयर। लाइक फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर बात सिर्फ इतनी नहीं है कि आपके नेबर्स को कोरोना है तो आप बाहर निकलना छोड़ दें, आपके घर में किसी को कोरोना है तो आप उस कमरे में जाना छोड़ दें, आप अगर किसी हॉस्पिटल में, किसी स्कूल में, किसी ऑफिस में हैं जहाँ पे आप किसी को देख के ऐसा महसूस करें कि उसे सिम्टम्स हैं तो आप उससे दूर रहना छोड़ दें, बात यहाँ ख़त्म नहीं होती। बात यहाँ आ जाती है ग्लोबल क्राइसिस के हवाले से। अगर एक कंट्री इफेक्टेड है तो बाकी सारे कंट्रीज़ भी उसके निपट में आ रहे हैं। अब आप इटली की एग्जांपल लीजिए। इटली में दिन ब दिन लोग मर रहे हैं। हमारे पास बहुत सी ऐसी वीडियोस वगैरह भी रिसीव होती हैं इटली के हवाले से, जहाँ पे यूजुअली डॉक्टर्स को चूज़ करना पड़ रहा है कि किसको बचाया जाए और किसको ना बचाया जाए, कहाँ पे सिम्टम्स ज़्यादा मुनासिब नहीं हो रहे हैं और मसलों की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। अब हम बात करें सबसे पहले रिच कंट्रीज़ के हवाले से, यानी कि जिनकी इकॉनमी स्ट्रॉन्ग है, जिनको लोन्स लेने की ज़रूरत नहीं है, जिन्हें किसी भी तरह के इस किस्म के मसले की बढ़ने की ज़रूरत नहीं है, जो कि काफ़ी हद तक इन मसाइल से या फिर इससे मुतालिक बहुत से मसाइल से रिकवर कर सकते हैं, वहाँ पे भी एक डॉक्टर मौजूद है 250 अफराद के लिए। और सुनिएगा इन एनालिटिक्स को, एक डॉक्टर और 250 अफराद। अब हम बात करें जाम्बिया की। जाम्बिया में एक डॉक्टर मौजूद है 10,000 अफराद के लिए। अब हम आए माली की तरफ। माली में एक वेंटिलेटर मौजूद है 1 मिलियन लोगों के लिए। अब ये तो हमने बात कर ली कुछ रिच कंट्रीज़ के हवाले से, इसके अलावा जाम्बिया और माली के हवाले से। अब हम डायरेक्टली आए कराची की तरफ, यानी कि जहाँ पे हम इस वक्त रह रहे हैं। यहाँ पे फ़कत 10 हॉस्पिटल्स हैं जो कि फैसिलिटेट कर रहे हैं इस पूरे शहर की पॉपुलेशन को, जो कि है 14.91 मिलियन के करीब। अब ज़रूरत इस वक्त ये है कि हम इस रिच और पुअर की इनक्वालिटी को हटा के जो कि अमीर ममालिक हैं वो गरीब ममालिक की मदद करें और इन सिक्योरिटीज़ को और इस ग्राफ को आगे बढ़ाया जाए। अब हम आपको स्क्रीन पे एक ऐसा ग्राफ दिखा रहे हैं जो कि हमारे ग्लोबल इंडेक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, और वो ये दिखा रहा है कि अलग अलग ममालिक इस वक्त कहाँ खड़े। सबसे नीचे से शुरू करें तो सोमानिया इस वक्त सबसे नीचे है विद 6.6 ग्लोबल हेल्थ इंडेक्स। इंडिया पे आएँ देन 46.5, पाकिस्तान पे आएँ 35.5, चाइना 48.2, कैनेडा 75.5, यूनाइटेड किंगडम 77.9 और सबसे ऊपर है अमेरिका, यानी कि 83.5 हेल्थ ग्लोबल इंडेक्स। अब यूएसए सबसे ऊपर क्यों है? काफ़ी सारे रीजन्स हैं। सबसे पहले यहाँ पे एपिडेमोलॉजी, वर्क फोर्स, बायो सिक्योरिटी, इमरजेंसी प्रिपेयरनेस, रिसोर्स प्लानिंग वगैरह वगैरह। अब ये तो हमने बात कर ली उन कंट्रीज़ की जहाँ पे हेल्थ सिक्योरिटी भी मौजूद है, जहाँ डॉक्टर्स भी मौजूद हैं, बाकायदा हस्पताल भी बने हुए हैं, चाहे वो रिच कंट्रीज़ हों चाहे वो पुअर कंट्रीज़ हों। अब हम आते हैं कुछ ऐसी जगहों पे जहाँ पे सिचुएशन काफ़ी ज़्यादा ख़राब है। कभी आपने सोचा है कि जहाँ पे कैंप्स वगैरह रखते हैं वहाँ पे क्या सिचुएशन होगी, क्या स्टैटिस्टिक्स, क्या एनालिटिक्स होंगे जो कि लोगों के लिए नुकसानदेह होते चले जाएंगे?
अब अगर हम कॉन्फ्लिक्ट जोन्स पे बात करें तो वहाँ पे एक डॉक्टर मौजूद है कुल 25,000 लोगों के लिए। और आप देखें जहाँ पे कैंप्स होते हैं, इस तरह की सिचुएशंस होती हैं, वहाँ पे इस तरह के डिजीज़ बढ़ने के और ज़्यादा खदशा होते हैं। बहरहाल ऑक्सफर्म की जानिब से 160 बिलियन की एड दी जा रही है। अब इसके मुताबिक कहा जा रहा है कि इस एड से एक अच्छा खासा अमाउंट जनरेट होगा जो कि 3.7 बिलियन लोगों को फराहम होगा। अब इसमें आ जाते हैं हमारे तकरीबन कुल मिला के 85 पुअर कंट्रीज जहाँ पे ये पॉपुलेशन बसर है, जहाँ पे ये लोग रहते हैं और उनके लिए हेल्थ फैसिलिटीज़ को प्रोवाइड किया जाएगा। अब यहाँ पे इकोनॉमी के हवाले से हम दोबारा एक बात ऐड करते चले कि काफ़ी कंट्रीज़ का कर्जा यानी कि डेट माफ़ हो रहा है, जो कि हेल्थ सिचुएशंस को बेहतर बनाने के लिए या फिर हेल्थ सेक्टर में जिसे कहते हैं हेल्प करने के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद हो सकता है। अब ये तो हमने बात कर ली कोरोना वायरस के हवाले से कि कोरोना वायरस हमारे मुल्क को और बहुत सारे ममालिक को किस तरह से बुरी तरह से इम्पैक्ट कर रहा है। इकॉनमी के हवाले से ये भी कहा जा रहा है कि इकॉनमी अब एक बहुत ही मुश्किल दौर में आ गई है जहाँ पे इसका दोबारा रिकवर करना बहुत मुश्किल है, इम्पॉसिबल नहीं लेकिन काफ़ी मुश्किल बनता चला जा रहा है। एक बड़े ग्लोबल प्रॉस्पेक्ट पे हम बात कर चुके हैं, अब हम आते हैं आपके मसाइल की जानिब। हमें यकीन है कि अब यूजुअली हम लोग यहाँ पे घर में हैं, क्वारंटीन में हैं। अब हुकूमत ने भी हम लोग तकरीबन 22 मार्च से इवन हमारा ऑफिस भी बंद है, और तो और हुकूमत ने यहाँ पे जिसे कहते हैं इजाफा कर दिया हमारी अपनी सेफ्टी के लिए 14 अप्रैल तक। बहुत सारे लोग हैं हम में से जो कि काफ़ी सारे मसाइल का शिकार हो रहे होंगे। तो अगर आप हमसे बात करना चाहते हैं, हम आप अपनी कोई भी बात शेयर करना चाहते हैं, तो अपना 20 सेकंड का वीडियो क्लिप हमें बना के भेजिए। हम आपके वीडियो क्लिप को अपने चैनल पे फीचर करेंगे, और तो और हम कोशिश करेंगे हम आपके तमाम मसाइल में आपके साथ खड़े हों। तब तक के लिए आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी इनसाइट। मैं हूँ आपकी होस्ट जवेरिया रजा। अल्लाह हाफिज़।